हाउ डू आई लुक? फुल फेस्टिव फील्स नो? हाँ हाँ वो तो है, लेकिन मैं सोच रही थी इवेंट के लिए एक ज्वेलरी सेट खरीदूं, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ये वाला कि ये वाला? कोई भी नहीं। क्यों? देखो आई गेट इट, गोल्ड खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है स्पेशली इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट डोंट जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट, डेटा को ही देख लो। मार्केट्स जब भी नीचे गिरते हैं गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन ज्वेलरी खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, ये कोई फिजूल खर्ची थोड़ी ना है। अरे रुको रुको, आई विल टेल यू। ज्वेलरी बहुत ही सुंदर होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, लेकिन उसके साथ मेकिंग चार्जेस का झंझट होता है, उसके बाद उसे स्टोर करो, उसकी सिक्योरिटी की टेंशन। अब इस दिए को ही देखो, कितना संभाल के रखना पड़ता है, गोल्ड ज्वेलरी भी उतनी ही केयर मांगती है। पॉइंट तो है, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने का और कोई तरीका है क्या? है ना, यू माइट वॉन्ट टू कंसिडर ग्रो गोल्ड ETF। गोल्ड ETF, ये क्या है? गोल्ड ETF एक तरीके का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो गोल्ड की प्राइसेस को फॉलो करता है। ये प्राइसेस को ट्रैक कैसे करता है? बेसिकली ये ETF 99.5% प्योर बुलियन में इन्वेस्ट करता है। लेट्स से एज अरुणिमा तुमने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए इस ETF में, अब ये वही 1000 रुपीज की वैल्यू का गोल्ड खरीदेगा और तुम्हें इसके बदले यूनिट्स असाइन होंगे। ओके, बट व्हाट इफ द प्राइस चेंजेस? अगर गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है या घटता है, उसी तरीके से तुम्हारी भी ETF की वैल्यू या तुम्हारे यूनिट होल्डिंग्स की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। लेकिन करुण्या मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट करना है? दैट्स आल्सो सिंपल, क्योंकि गोल्ड ETF में आप स्टॉक्स की तरह ही आसानी से उन्हें एक्सचेंजेस पे बाय या फिर सेल कर सकते हैं। अरे वाह, लॉकर्स का तो चक्कर ही नहीं है, सिक्योरिटी का भी टेंशन नहीं है, लेकिन आई थिंक यू फॉरगेटिंग वन थिंग, टैक्सेस। गुड पॉइंट, क्योंकि टैक्स एफिशिएंसी का भी इसमें पोटेंशियल होता है। LTCG देख लो फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अगर आपकी 12 महीने से ज्यादा की होल्डिंग है तो 12.5% पे इसको टैक्स किया जाएगा बिना इंडेक्सेशन के। व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स? वेल दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स लॉ। ओके, तो अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना हो तो क्या एक बहुत बड़े अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? नॉट रियली, ग्रो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए एज लिटिल एज 500 रुपीज इज इनफ, तभी तो ये इतना एक्सेसिबल है, और ऊपर से आप इसे लोन के अगेंस्ट कोलैटरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाउ कूल, आई डिडंट नो कि हम लोन भी ले सकते हैं फ्रॉम अ बैंक और अ लेंडर विद दिस। तो इसमें इन्वेस्ट करना कब से स्टार्ट कर सकते हैं? जहाँ तक मुझे याद है ये NFO 7th अक्टूबर को ओपन हुआ था एंड इट विल बी ओपन टिल 18th अक्टूबर। मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, इस फेस्टिव सीजन कुछ नया कीजिए, एम टू बाय गोल्ड विद ग्रो गोल्ड ETF। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।